सभी को मेरा राधे राधे। तो आज जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल रात अचानक में हमको लगा कि यार जो इस बार जो है निर्जल व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी का पूरा निर्जल व्रत मैं हमेशा रहती हूँ पर निर्जल नहीं रह पाती थी, मम्मी लोग नहीं रहने देती थी, पर मैंने इस बार संकल्प लिया है कि मैं निर्जल व्रत भी रहूँगी। और मैंने सोचा है कि मैं इस बार 56 भोग लगाने की कोशिश करूँगी, अगर राधा रानी कृपा रहेगी तो मैं 56 भोग इस बार जन्माष्टमी पे लगाऊंगी। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, मेरा देवांश भी आज फास्ट है, मेरे घर में ऑलमोस्ट सब लोग ही फास्ट हैं। मेरे साथ जे भी निर्जल फास्ट रखने वाले हैं और शुभम भी रखने वाले हैं निर्जल फास्ट, और शुभम के साथ साथ जो शुभम का दोस्त है वो भी निर्जल फास्ट पे हैं, सब लोग हैं। देखते हैं किसका कितने अच्छे से हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा काम है तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मुझे 56 भोग लगाने की तैयारी भी करनी है। तो जो भी बना पाऊँगी छोटे मोटे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देवांश भी बोला है कि मैं भी निर्जल व्रत रहूँगा, जो कि वो नहीं रह पाएगा, बच्चा है छोटा सा, बट वो अभी बोला है कि मैं भी जब तक मेरी मौसी नहीं खाएगी कुछ भी तब तक मैं भी नहीं खाऊँगी। तो फिलहाल चलो फटाफट चलती हूँ, पहले नहावा लेती हूँ, अभी 6 बज रहे हैं, नहावा के जल्दी से तैयार वार हो जाते हैं, फिर प्रसाद वगैरह जो भी बनाना वगैरह है उसको देखना है क्या क्या बनाना, क्योंकि 56 हो गया फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, पर पता है बहुत अच्छे से अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैं बना पाती हूँ कि नहीं। चलो देखते हैं, फटाफट तैयारियाँ करते हैं। जन्माष्टमी का आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ धनिया की पंजीरी। तो सबसे पहले मैंने धनिया को रोस्ट कर लिया, धनिया को अच्छे तरीके से भून लिया, भूनने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए उसको रख दिया। उसके बाद हमने सोचा तब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के बाद फिर हम जो है अपना धनिया पाउडर को मिक्सी में पीस लिया, पीसने के बाद फिर हमने थोड़ा सा घी डाल के मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया दोबारा से घी में, ताकि वो अच्छा लगे, अच्छा फ्लेवर आए। उसके बाद हमने जो है चीनी पीसी हुई है, बुरा जो चीनी आती है आप उसको अपने अकॉर्डिंग जितना आपको मीठा पसंद है उसमें डाल करके हमने सब कुछ मिला के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फिर हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किया था उसको भी हमने मिला लिया। मिलाने के बाद जो है अच्छे से मैं उसे मिलाने जा रही हूँ। किशमिस को मैंने लास्ट में डाला है, किशमिस को मुझे फ्राई करके पसंद नहीं है तो हमने ऊपर से ही ऐसे ही डाला, मुझे ऐसे पसंद है, आपको जैसे पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हमारी पंजीरी यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से रेडी हो रही है, हमने सोचा उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते, देख पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से मेरी पंजीरी बन गई है। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो जय श्री राधे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने छोटी मोटी तैयारियां की है, हमने सोमो को भी बुला लिया था कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे हमारी 56 भोग ना अभी भी कंप्लीट हो गए हैं। मैं जो छोटी मोटी तैयारियां की थी क्योंकि हमने कोई प्लानिंग नहीं किया था, सडन मेरे दिमाग में आया कि चलो इस बार ऐसा करते हैं, तो हमने जो छोटी मोटी कोशिश कर पाई वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो 56 भोग हमारे तैयार हो गए, हमने फाइनली 56 भोग के लिए तैयार किया था, हमने 2-3 भोग मेरे ज्यादा ही हो गए, राधा रानी कृपा देखो। हम तो डर रहे थे कहीं 56 भोग हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाए, फाइनली हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं चलूंगी जो है नहाऊंगी, कपड़े वपड़े चेंज करके मैं फिर पूजा करूंगी, क्योंकि आई थिंक 11 बज गए हैं, बस 1 घंटा है फिर तैयार करूंगी, फिर इसके बाद 1 घंटे बाद पूजा करेंगे। चलो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ।
से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गए श्याम। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरे जिंदगी के मान कहीं तुम बदल न जा। याद है काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्याम सलोनी तू मेरा रिजवाद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। श्याम सलोने, श्याम सलोने, श्याम सलोने तू मेरी पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कुमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, श्याम सलोने श्याम सलोने श्याम सलोने, तू मेरा रिजवाद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। रेणु रेणा रेणा हमारी पूजा उजा कंप्लीट हो गई जैसा हमने सोचा था। पूजा जितने भी पूजा हमने की सब देवांश ने दीदी को दीदी जीजा को लाइव दिखाया था वीडियो कॉल करके। इसके बाद अभी मैं जा रही हूँ, पूजा उजा हमारी सब कुछ होने के बाद फिर मैं पंचामृत लेके अपना अपना व्रत तोड़ रही हूँ। अभी ना मतलब जैसे आप कुछ खाते हो कि आप सुबह से कुछ नहीं खाए हो, बहुत अजीब सा लगता है, मतलब बहुत रिलैक्स सा महसूस हुआ, और ज्यादा कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल पेट भरा सा लग रहा है। बस ये अब ये लग रहा है, सर भारी भारी सा लग रहा है कि बट थोड़ा सा कुछ खा लें, पानी पी लें, उसके बाद सो जाऊंगी। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बट हमने सोचा था 56 भोग लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, बट राधा रानी की कृपा ऐसी कि 56 से ज्यादा भोग हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अब सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे राधे राधे।